Hello students, welcome to science class. My name is Rashmi and I am from Raj International School. And today in this video lecture I am going to explain the functioning of the heart and we will discuss about the structure of the heart also. Clear? बहुत ही important organ हमारे body का और continuous जो कि काम कर रहा है अपना, है ना? और जिस दिन इसने काम करना बंद कर दिया तो मतलब death ही हो जाती है तब, है ना? तो heart की functioning क्या है? हार्ट मसल्स का बना होता है, कोई बोन्स नहीं होती है हार्ट में और उन मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. ठीक है, और डायग्राम में हम एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको और समझेंगे इसको कि किस तरह से इसकी फंक्शनिंग है, किस तरह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है फ्लो होता है और हार्ट पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है. और हम ये मान के हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जो हार्ट का जो साइज होता है हमारी फिस्ट के जितना होता है. अगर हम अपनी मुट्ठी को फिस्ट को जितना बंद करके जो फिस्ट का साइज है वही हमारे हार्ट का साइज होता है. क्लियर? और ये चेस्ट कैविटी में होता है, लिटिल बिट टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. क्लियर? तो अगर मैं इस पोजिशन में भी खड़ी हूं तो मेरा हार्ट कहां पे है? यहां पे मेरा हार्ट है और वो लिटिल बिट टिल्टेड है. नीचे का जो लोअर टिप है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट. हार्ट फोर चैम्बर में डिवाइड होता है. ऊपर के जो दोनों चैम्बर्स होते हैं उनको हम एट्रिया बोलते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे अब अगर मैं यू हूं और मेरा हार्ट यहाँ पे है तो इधर वाला जो पार्ट होगा यानी कि ये वाला पार्ट हमारा होगा राइट एट्रियम, इधर वाला ये होगा लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर? तो ये फोर चैम्बर होता है और जो ये दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है, ये डिवाइडेड होते हैं सेप्टम के द्वारा, क्योंकि इनके अंदर आप यहां पे कलर से देख सकते हैं कि ये मैंने ब्लू कलर का बनाया है ये वाला अंदर वाला पार्ट और ये रेड कलर का है. तो ब्लू इज अ सिंबल ऑफ द मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लोइंग, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, और रेड जो है वो प्योर ब्लड के लिए है. ठीक है, तो ये प्योर और इम्प्योर ब्लड मिक्स ना हो इसलिए क्या होता है पार्टीशन, यहां पर हम समझ सकते हैं पार्टीशन कंप्लीटली सेपरेटिंग द टू हाल्स. टू हाल्स का मतलब दोनों हिस्सों को पार्टीशन सेपरेट कर रहा है और बीच में मतलब सेप्टम होता है एक, जो दोनों पार्ट्स को दोनों हिस्सों को हाफ पार्ट में हाफ अ पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो बीच में एक सेप्टम होता है जिससे कि मिक्सर इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती है. क्लियर? अब देखिएगा वीना कैवा के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, कि जो बॉडी पार्ट्स में जो भी बेसिकली आप समझिएगा सेल्स में रेस्पिरेशन हुआ और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में मिक्स होगी और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड वीना कावा के थ्रू कहां पहुंचता है, हार्ट के राइट एट्रियम वाले पार्ट में पहुंचेगा. और यहां पर क्या है, ये आप देख सकते हैं ये वॉल है, वॉल्स आर प्रेजेंट. तो ये वॉल जो होते हैं इनको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं. तो वॉल का क्या फंक्शन है बेटा, देखिए वॉल एक ही डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो पाता है. अगर ये वॉल ना हो तो ये हो सकता है ना कि यहां से ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ हुआ वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से बैक फ्लो भी हो सकता है, लेकिन ये बैक फ्लो को होने से रोकते हैं. ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है, अगर बैक फ्लो होगा भी तो ये वॉल क्या होंगे बेटा, बंद हो जाते हैं. ठीक है, कोई चीज इस तरीके से है और अगर पीछे से यूं आएगा तो ये यूं बंद हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाल होते हैं, ये है ट्राइकस्पिड वॉल और इसके अंदर जो होते हैं ये होते हैं हमारे बाइकस्पिड वॉल. यहां से ब्लड ने एंटर किया एट्रियम से गया वेंट्रिकल में. ठीक है, ये ब्लड कैसा है, इम्प्योर ब्लड है. वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड कहां जाएगा, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, तो ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पे जाएगा, ये जाएगा हमारा लंग्स के पास. अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में एंटर करेगी और CO2 कैपिलरीज के थ्रू, या ये कहना चाहिए कि जो लंग्स के चारों तरफ जो कैपिलरीज है ना जो उसको बाहर से कवर करके रखते हैं, तो उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है. CO2 ब्लड से लंग्स में जाएंगे और O2 जो है लंग्स से ब्लड में एंटर करेगा और वो ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर. अब वो ब्लड कहां फ्लो करेगा, पल्मोनरी वेन में. तो पल्मोनरी वेन कहां से आ रही है, लंग्स से आ रही है. पल्मोनरी वेन से कहां एंटर करेगा, वो इस वाले पार्ट में, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये हमारा हो गया लेफ्ट, लेफ्ट एट्रियम में. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एरोटा के थ्रू, जो ये मैंने यहां पे ये मेंशन किया है, इस एरोटा के थ्रू डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स है वहां तक ये प्योर ब्लड पहुंच जाता है. ठीक है, तो दिस वन इज अबाउट द फंक्शनिंग एंड द सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट.
तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा हार्ट जो है वो फोर चैम्बर्ड होता है, चार चैम्बर में डिवाइड होता है। तो ये समझ सकते हैं हम कि जो राइट वाला राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो होता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है वो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व होता है। हार्ट के दोनों जो जो मींस यानी जो हाल्स है, जो टू इक्वल पार्ट जो है वो सेप्टम के द्वारा डिवाइडेड होते हैं, सेपरेट होते हैं वो दोनों। और हार्ट हमारा टोटली मसल्स का बना होता है, कार्डियक मसल्स बोलते हैं उनको, और एक कॉन्टिन्यूसली जो है हार्ट अपना काम करता है, पंपिंग करने का काम करता है। तो हार्ट के पास इम्प्योर ब्लड आता है, वो इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास भेजा जाता है, और फिर वो जब प्योर होकर वापस हार्ट के पास ही आता है, और फिर हार्ट उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। दिस इज अबाउट द फंक्शनिंग एंड द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।